अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक व्लॉग पे रिएक्ट करूँगा। उम्मीद है सब आप ठीक होंगे। व्लॉग है ये ब्रेन जो इंटरटेनमेंट राज और शायद पकिया या शायद इस तरह का कोई नाम है, उन्होंने मुंबई का किया था। देखते हैं कि वो मुंबई को किस तरीके से दिखाते हैं। तो लेट्स तो राज अभी बैग पैक कर रहा है हमारी। बहुत ही गरीब ब्लॉग सेटअप है हमारा, सिर्फ एक कैमरा और ये फुल साइज ट्राइपॉड लेके भी नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत डिफिकल्टीज आएगा। इसलिए हम लोग एक फ्लेक्सिबल गोरिल्ला पॉड टाइप चीज़ लेके जा रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है सन ग्लासेस, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुंबई के गर्मी में आईज़ को प्रोटेक्ट करना है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा अगली फेस जितना हो सके कवर किया जाए, जिससे कि मैं बेटर दिखूँ। सो सनग्लासेस कैमरा से पहले मेरे बैग में जा रहा है। सनग्लासेस मेरे भी हैं, लेकिन वो डेफिनेटली सिर्फ सनलाइट के लिए है। ओहो, कॉन्फिडेंस है। सो हम लोग काफ़ी वरिड है ये ब्लॉग के बारे में कि ये कैसा होगा और हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग ने थोड़ा रिसर्च एंड लर्न करने की कोशिश कर रहे थे कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इरफान जो की वीडियोस, और हमने रियलाइज़ किया कि कुछ भी हो जाए हम लोग उसकी तरह सिनेमैटिक शॉट्स कभी नहीं ले सकते। तो इरफान जुनेजो का कॉपी करना आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग गए मुरू के वीडियो पे। तो मुरू के वीडियो का नरेशन देखने के बाद समझा ये नहीं होने वाला हमसे। सो नेक्स्ट युखानो, तो युखानो के वीडियोस को देखा, उसके ड्रोन फुटेज को देखा, एंड वी वर लाइक हमें भी उसकी तरह ड्रोन फुटेज लेना चाहिए। बट हमने रियलाइज़ किया कि हमारे पास ड्रोन नहीं है, तो उसका सवाल ही नहीं आता। सो बेसिकली पुअर ब्लॉगिंग सेटअप जो आप यहाँ देख सकते हैं, इस पुअर ब्लॉगिंग सेटअप के साथ हम लोग निकले ब्लॉग करने। वैसे म्यूजिक अच्छा चूज किया हुआ है। तो हम लोग आ चुके हैं CFMT, जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर है आपको दिख जाएगा, और इस ट्रेन स्टेशन का नाम काफी बार बदला गया है। पहले ब्रिटिश के जमाने नहीं दिखा यार, विक्टोरिया टर्मिनल आपने दिखाया नहीं है सही। इसका नाम चेंज होके CST हो गया है, और अभी रिसेंटली CSMT हो गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अगर आपको ये बिल्डिंग देखने में अभी अच्छे लग रहे हैं तो यू शुड सी देम एट नाइट। क्या हमें इन्हें दिखाना चाहिए रात को कैसा दिखता है? व्हाई नॉट। वाह माशाल्लाह। अब हम लोग बात करने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, जो मुंबई में है। इट इज नियर अपोलो बंदर। सो गेटवे ऑफ इंडिया को अक्सर इंडिया गेट के साथ कंफ्यूज किया जाता है, जो दिल्ली में है। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गेटवे ऑफ इंडिया विच इज इन मुंबई, और जिधर अभी हम आए हैं। सो इधर से काफ़ी सारे फेरीज और बोट्स का सर्विसेज भी अवेलेबल होता है। देर आर फेरीज फॉर एलिफेंटा केव्स, देन अलीबाग एंड मेनी मोर प्लेसेस। और एक और फेरी सर्विस है विच इज 30 मिनट्स राउंड, जो हमें घुमा के वापस गेटवे ऑफ इंडिया के इलाके छोड़ता है, जिसमें अभी हम जाने वाले हैं। सो लेट्स गो। चलो चलो चलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा ये जो जैसे परिंदा उड़ रहा था, इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाते तो बड़ा आला आना था। इनको भी थोड़ा सा स्लो में करते।
सामने है मरीन ड्राइव पे, इधर बहुत ही अमेजिंग व्यू है सामने, भारी चमक रहा है। यस, वो आपको दिखाने से पहले ये भी कहना चाहते हैं कि इसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है, क्योंकि रात को ये एक्चुअली ये जो सी का जो जो भी है ये मरीन ड्राइव जो रोड है वो ऐसा सी कर्व शेप में, एंड उसकी वजह से एक नेकलेस का शेप आता है। एंड रात को जब लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती है तो येलो कलर का स्ट्रीट लाइट्स है, तो बेसिकली गोल्डन नेकलेस की तरह दिखता है, सो दैट इज़ द रीज़न। और अब आप एंजॉय करो हमारा व्यू। काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, इधर लोग आते जाते देख रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो स्टेयर कर रहे हैं, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड। ऑल दो हमें अभी आदत हो चुकी है यूट्यूब पे ऑलमोस्ट डेली हम लोग शूटिंग करते हैं, तो कैमरा पे बात करने की आदत हो चुकी है, बट यहाँ पर पब्लिक प्लेस में है इसलिए स्लाइटली ऑकवर्ड है। यंग पीपल देख रहे हैं कि क्या ये एक यूट्यूबर है, क्योंकि यंगस्टर्स को पता है इन लोग क्या कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो दे आर शेयरिंग कि इन लोग पॉपुलर है क्या, इनको पहचानते हैं क्या हम लोग। और ओल्ड पीपल तो ऐसा देख रहे हैं कि इन्होंने कैमरा गलत पकड़ा हुआ है उल्टा पकड़ा हुआ है उन्हें, एक एक लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि टिप्स देने के आ जाएंगे कैमरा को कैसे होल्ड करना चाहिए, बेटा ये आपने उल्टा पकड़ा है ज़रा उस तरफ करिए। मरीन ड्राइव से गिरगांव चौपाटी जाते वक्त हमें रोड पे बहुत सारे विंटेज कार्स दिखे। इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि इतने सारे विंटेज कार्स एक ही दिन रोड पे सेम रोड पे दिख रहे थे, बट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट साइट, सो आप भी एंजॉय करो। अगर यही व्यू रोड के दूसरे साइड से लिया जाए तो ज्यादा प्यारा आना था, क्योंकि सूर्य ही नहीं पड़ रहा था उस साइड से। गिरगांव चौपाटी जिधर हम अभी आए हैं, और हम लोग इधर वही सारी चीजें करने वाले हैं जो अक्सर लोग चौपाटी पे करते हैं। इसको स्लो मोशन में दिखाना था कब आजा बोल रहा था। ठीक है, गोला यहाँ इतना ज़्यादा प्लेजेंट वेदर है, हमें ऐसा लग रहा है कि बस एक नैप ही ले ले अभी। जैसे आपने देखा दो बिल्डिंग्स के बीच में अभी सनसेट हुआ है, वेव्स का अमेजिंग साउंड है, ऐसा लग रहा है 5 मिनट्स का नैप हो जाए। यस डेफिनेटली, लेट्स गो, तो इट्स टाइम फॉर ए 5 मिनट नैप। अच्छा था वीडियो, अच्छी थी बिल्कुल, तो थोड़ी सी थोड़ा सा अगर इसमें चेंजिंग और हो जाती तो ज़्यादा बेटर हो जाना था, फिर भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने वैसे कमेंट भी किया था आपको कि मैं इस पर रिएक्ट करूँगा, थोड़ा सा वैसे बताने का ये मकसद था कि नेक्स्ट टाइम तक जो आपकी वीडियो है वो ज़्यादा बेटर आएगी इस पे से।
उम्मीद है कि आप दोनों इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छे व्लॉग बना लोगे। ये भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। अच्छी ट्राई तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ट्राई से बहुत बेहतर था ये। तो स्टार्ट है इंशाल्लाह, बाद में ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। तो सेकंड डे पे भी इंशाल्लाह रिएक्ट करेंगे। देखा नहीं है, ऑडियो भी खाची है। चलेंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।